डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम का डेट बढ़ गया है। सीडीपीओ के भी एग्जाम के होने की संभावना अब मार्च के बाद ही लग रही है। तो अगर इतना टाइम मिल गया है, आपने पीछे कई महीनों से पढ़ाई स्टार्ट लिया था, अपने ढंग से पढ़ाई किया, पढ़ाई समझ में नहीं आया, या आपने पढ़ा लेकिन कमियां रह गई, अगर आज से स्टार्ट करना हो, आपने जो कुछ भी पढ़ा रहने दीजिए, अगर आज से स्टार्ट करना हो तो हम कौन सी बुक पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें, कौन सी मैगजीन पढ़ें, करंट अफेयर्स कैसे करें, कितने मार्क्स लाएं, समझ लीजिए सारी बातों को। अगर आज से स्टार्ट लेना हो तब आपने जो कुछ पढ़ा था आप भूल चुके हैं। हम ये मानकर चल रहे हैं आज से आप जीरो से स्टार्ट लेंगे। तो कहां से स्टार्ट लें, समझ लीजिए 150 क्वेश्चंस का मामला है। अब जो पैटर्न बन गया उसके अनुसार जनरल मेल है, ईडब्ल्यूएस है, तो आप 105 से 110 के आसपास का टारगेट लेकर चलिए। मिनिमम 110 लाना चाहिए, टारगेट रखना चाहिए 120, अच्छे से हिट करेंगे 110 के आसपास स्कोर्स करेंगे। हमारे हिसाब से 105 से 110 के बीच जनरल मेल ईडब्ल्यूएस वाले आराम से इस एग्जाम को निकाल लेंगे। नेगेटिव नहीं है, 2 घंटे का एग्जाम है, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, 105 से 110 लाना है। अगर सारी कैटेगरीज को इंक्लूडिंग फीमेल को भी हम जोड़ लें तो 100 से लेकर 105 के बीच सारी कैटेगरीज में आपके रिजल्ट्स हो जाएंगे प्रीलिम्स में। 100 से 105 के बीच सारे रिजर्व कैटेगरी और फीमेल 100 से 105 ये हम सबसे मिनिमम रख रहे हैं, 2-4-5 और बढ़ा लीजिए तो द बेस्ट। इतने स्कोर्स लाते हैं आपका रिजल्ट हो जाएगा, लेकिन इतने स्कोर्स लाना भी खेल नहीं है। तो पढ़ाई कम से कम 4 घंटे आपको पढ़ने चाहिए। फिर हम कहते हैं बहुत सारे लोग 2 घंटे में ही सब कुछ समझ लेते हैं, बहुत सारे लोग 5-7-8 घंटे में भी नहीं समझ पाते हैं या समस्याएं आती हैं, तो ये आपकी कैपेबिलिटी पे है। आप 2-3 घंटे भी पढ़कर अच्छा प्रोडक्टिव सेशन ले सकते हैं, या 5-7 घंटे अगर आप दे रहे हैं तो दी बेस्ट। कुल मिलाकर जितने भी घंटे आपके पास है, और छात्राएं महिलाएं भी सुन लें, जितने भी घंटे आपके पास है डेली का रूटीन बनाइए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डेली का रूटीन बनाइए, 2 ही घंटे लेकिन डेली पढ़ेंगे। और बहुत से गार्जियन भी सुन रहे हैं, हमें पता होता है बहुत सारी छात्राओं या बहुत सारे छात्र के गार्जियन भी सुन रहे होते हैं, तो आप अपने स्टूडेंट्स, आप अपने बच्चे के लिए थोड़ा सा फैसिलिटेटर का काम कीजिए, उन्हें माहौल दीजिए। विशेषकर छात्राएं या बहुत सारी महिलाएं हैं, कामकाजी महिलाएं हैं, बच्चे हैं, ससुराल में हैं, समय नहीं मिलता, जिम्मेदारियां हैं, या बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जितने भी घंटे आपके पास है उसे डेली रूटीन में शामिल कीजिए। जैसे हम लोग खाना खाते हैं ना, फ्रेश होते हैं ना, या कोई ड्यूटी करते हैं, डेली करते हैं अपनी स्टडी को, चाहे आप 2 ही घंटे, चलिए हम 1 घंटा ही मान लेते हैं, अभी 1 ही घंटे आप स्टार्ट लीजिए अभी, लेकिन डेली पढ़िए। चलिए भाई हम रात में 11 से 12 बजे के बीच 1 घंटा डेली पढ़ेंगे, और सबसे अच्छा अगर है 11 बजे से लेकर 1 बजे रात के बीच। बहुत सारे लोग जो बिजी शेड्यूल वाले हैं या उससे ज्यादा है तब तो सोने पे सुहागा, लेकिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अपनी स्टडी में डिसिप्लिन लाइए। अधिकतर लोग कहते हैं कि अपने लक्ष्य का पीछा करते हुए जब हम अडिग रहते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं, लगातार पीछा करते हैं, सपने देखते रहते हैं, उसे पाने की ललक पालते हैं और उसे हर हाल में पाने का प्रण करते हैं, तो वो लक्ष्य आपके मुट्ठी में रहता है, आपका अपना हो जाता है। तो सबसे पहले पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड इस एग्जाम को निकालना है। अधिकारी बनना है, ऑफिसर बनने का एक अच्छा आसान रास्ता है, तब जब आपके अंदर आप दृढ़ निश्चयी हैं, कॉन्फिडेंट हैं और जुटे हुए हैं कि हम खाना नहीं खाएंगे जब तक 1 घंटा भी नहीं पढ़ लेंगे, तो ये कंसिस्टेंसी। चलिए अब बुक्स की बात करते हैं। सबसे पहले सारे लोग सुन लें, जिस भी बुक को हम बताते हैं बहुत छानबीन के बाद बताते हैं, और इंटरेस्टिंगली मार्केट में बहुत सारे बुक्स हैं, लगातार हमारा स्टडीज चलता रहता है, और आप देखते होंगे हर 2 साल पे 1 साल पे 2-3 सालों पे कुछ नई बुक्स को भी हम लगातार आपके सामने लाते हैं। तो जो बुक्स हम बताएं वो ले लीजिए, हो सकता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा पैसा 500-700-400 लग सकता है, लेकिन अच्छी पढ़ाई के लिए जब कोई आदमी डेली आपके पास आकर आपके साथ डिस्कस कर रहा है, आश्वस्त कर रहा है, और तो और मेंस के लिए भी, मेंस की भी अच्छी तैयारी होगी, और तो और इंटरव्यू भी आपका निकलेगा, और तो और आपका रिजल्ट आएगा। क्यों? क्योंकि हम कंसिस्टेंट हैं, दृढ़ निश्चयी हैं, लक्ष्य के प्रति अडिग हैं, हर हाल में पाने के लिए जीने मरने का प्रश्न बना चुके हैं। तो छात्राएं आप भी सुनिए, बहुत जिम्मेदारी है आपके ऊपर, लेकिन अपनी स्टडी को रूटीन बनाइए और लग जाइए। और सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स भी कुछ घंटे निकालिए, आप हड़बड़ाना नहीं है, लेकिन ये कुछ घंटे
कुछ अच्छे बुक्स के साथ, अच्छे स्टडीज, अच्छे अच्छी संगत, अच्छे लोगों का ग्रुप बनाइए अगर संभव हो तो, और फिर लग जाइए करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स पर थोड़ा पॉजिटिव हो जाइए। एक मैगजीन लिया और जैसे तैसे पढ़ लिया, कैसे होगा, रिजल्ट होता है, दिक्कतें आती है। 30 questions एकदम इन रो, 51 से लेकर 80 तक 30 questions इन रो आपको दिखाई देगा। 41 से लेकर के 70 तक 30 questions इन रो, 101 से लेकर 130 तक इन रो, यानी 30 मिनिमम क्वेश्चंस होंगे, और हमें तो लगता है कि इससे अधिक होंगे, अगर बिहार के भी जोड़ लें तो 40+ हो जाते हैं करंट अफेयर्स। सो करंट अफेयर्स को भी बिल्कुल सीरियसली लेना है, और हम जब आपको बताते हैं तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट को अपनी स्टडीज में शामिल कीजिए, क्योंकि एक मैगजीन में रटते रटते थक जाइएगा, आधे भी क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। तो कुछ मैगजीन्स हम लोग सजेस्ट करेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। आपने देखा होगा हमारे ग्रुप में, पेड ग्रुप में ही बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हम मैगजीन्स बताते रहते हैं, बच्चे लेते हैं पढ़ते हैं, और अगर 2-4 questions भी एक मैगजीन से आ गया आपके, अगर इसे सेपरेट आप लेते हैं अलग से, तो ये आपके लिए वर्थ वाइल है, कितना प्रोडक्टिव है, एक मार्क से रिजल्ट रुक जाता है या हो जाता है। सो बी रेडी। चलिए सबसे पहले स्टडीज को देखते हैं। सबसे पहले एक गाइड बुक होना चाहिए, एट फर्स्ट एक गाइड बुक, हम सदैव बोलते हैं, क्योंकि उसमें फैक्ट्स होते हैं और संक्षेप में टॉपिक्स को समझाया गया होता है। तो एक गाइड बुक, हम लोगों के समय यूनिक गाइड इलाहाबाद वाले जो अब प्रयागराज हो गया है उसकी आती थी, वेरी अभी भी आती है, हम फिर से कह रहे हैं बहुत शानदार होती थी, बट पहने दीजिए एक गाइड बुक, और हमने बहुत इजी कर दिया, क्राउन की गाइड बुक जो है वो ले लीजिए, बहुत सारे छात्रों ने लिया हुआ है क्राउन का, अब नया एडिशन भी आ गया है, लेकिन पुराना है तो भी चलेगा, एक क्राउन की गाइड बुक। और हम फिर कहते हैं हमारे साथ चलते हैं तो लेटेस्ट एडिशन रखिए, क्योंकि हम पेज नंबर देते हैं, डायरेक्ट पेज पे जाइए, आपका आधा पौन घंटे बच जाएगा डेली के स्टडीज में। कितनी अच्छी बात है कि आप सवेरे सोकर उठे और आपके हाथ में एक रूटीन हो, एक पर्चा हो, एक शीट हो, कि उसमें डिटेल्स होते हैं कि दिन भर आपको क्या करना है, तो ये रूटीन आपके होंगे। अच्छा, अब अल्टरनेट डे टॉपिक्स आएगा, अभी कुछ दिनों तक, एक बात हम फिर से बोल दें कि अभी यूट्यूब पे जो आ रहा है 31 episodes आ गया है, टेलीग्राम पे बहुत सारा उसमें एपिसोड टेलीग्राम पे आया है, यूट्यूब में आपको बीच में रुकावट गैप दिखा देगा तो डरिएगा नहीं, बहुत सारा टेलीग्राम पे आया है। यूट्यूब पे अगर क्रम टूट जाए तो टेलीग्राम पे चले जाइए, क्रमवार वहां पे दिख जाएगा। तो एनीवे 31 episodes आ गया है, अभी जो है सारा हम डिस्कस कर रहे हैं उसी को लेकर आगे बढ़ेंगे, 32वां episode आएगा, और जो बुक्स हम आपको बता रहे हैं मैगजीन वो सब वही सब चलता आ रहा है। अच्छा, बहुत सारे लोग पेड कोर्स के लिए कहते रहते हैं, हमारा तो अभी पेड कोर्स समाप्त हुआ है, तो नए बच्चे जो भी समाप्त हो गया कोर्स फिर से शामिल होना चाहते हैं तो आप सभी वेट कीजिए, 20 तारीख के आसपास पेड कोर्स का भी एक नया पेड कोर्स आएगा, जो ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन करेंगे, बट अभी नहीं, उसके डेट्स हम घोषित करेंगे, नंबर आपको जारी करेंगे, उस पर काउंसलिंग होगी, जो लोग जुड़ना चाहेंगे जुड़ेंगे। एनीवे, लेकिन अभी हम यूट्यूब की बात कर रहे हैं, जिसका 31 episodes आ गया है, 31वां episode आ चुका है, 32वां आएगा। बुक्स हम फिर से समझाते रहे, अगर आप अभी आज से लगना चाह रहे हैं तो बुक्स ये सब ले लीजिए जो हम कह रहे हैं, और बिल्कुल अपने घर पे, अपनी कन्वीनियंस पे, एट योर डोर स्टेप्स, 1, 2, 4 जितने भी घंटे आपके पास है पढ़िए मन लगाकर, डिसर्टेन मत होइए, हमें कॉल कर लीजिए। अगर कहीं पर भी आपके मन में दुविधा है, आपको लगता है, हम डेली आकर आपके सारी दुविधाओं को दूर करेंगे, करवाइए मत, लेकिन पढ़ाई में मन लगाइए, और ऐसा मन कि लगे कि हमने अपने मां बाप, भाई बहन, परिवार को प्रॉमिस किया है, अपने समाज को प्रॉमिस किया है कि हम दिखाएंगे, तो उसके लिए जुटना होगा। सो एक हो गया आपका, जो बुक्स हो गई, सबसे पहले गाइड बुक, हम लोग क्राउन की बात कर रहे थे, क्राउन ले लेंगे, जिनके पास है वही चलेगा। अच्छा, पेज अगर पुराना है तो 2-4 pages का इधर उधर होगा, वो आप मैच कर लीजिएगा, डोंट वरी। उसके बाद देखिए, आजकल एक अच्छा ट्रेंड चला है एनसीईआरटी, अब एनसीईआरटी 6 से 12 पढ़ना चाहिए, 6 to 12 उतना टाइम तो है नहीं, तो अब उसका वन लाइनर्स बहुत सारे मैगजीन्स आ गए, तो एक उस तरह का वन लाइनर जिसमें एनसीईआरटी का बहुत सारा फैक्ट्स है, उसके लिए एक शानदार बुक मार्केट में दिखाई दे रही है, और ये आपने बहुत सारा सार संग्रह, सार संकलन लिया होगा, ये एक शानदार बुक, और जो पढ़ेंगे वो जितना भी मार्केट में सार संग्रह संकलन है आपको स्वयं कॉम्पेयर करेंगे, और हमें भी कमेंट करके बताइए, आप स्वयं बोलेंगे कि यस दिस इज द बेस्ट, अच्छी बुक है। तो ये सार संकलन प्रभात पब्लिकेशन की आती है, डॉक्टर मनीष रंजन वाली, ये ले लीजिएगा, एक ये रेडी रखिए। उसका बिहार स्पेशल, बिहार स्पेशल में देखिए, एक बिहार का तो लेना है, बहुत सारे लोगों के पास होगा, अगर आप अपने ढंग से टॉपिक्स पर जाकर पढ़ सकते हैं या पढ़ सकती हैं तो जो भी आपके पास है रखिए, लेकिन अगर हमारे पेजेस के हिसाब से चलना चाहते हैं
या चलना चाहती हैं। तो फिर से देखिए डॉक्टर मनीष रंजन वाली, ये बिहार स्पेशल, ये प्रभात पब्लिकेशन वाली, ये ले लेना है। और ऑब्जेक्टिव एक जरूर बनाइए। हम सदैव बोलते हैं जब प्रीलिम्स का एग्जाम है तो ऑब्जेक्टिव डिसाइसिव है। कई बार हम टॉपिक्स पढ़ लेते हैं समझ में नहीं आता, लेकिन अगर उसका ऑब्जेक्टिव बना लें आप तो टॉपिक समझ में आ जाता है। तो बिहार की जो बुक अभी हमने कहा, ये डॉक्टर मनीष रंजन वाली, उसके पैरेलल उसी के सारे टॉपिक्स वन बाय वन पैरेलल इस ऑब्जेक्टिव वाली, ये जो है ये डॉक्टर मनीष रंजन वाली, ये वाली ऑब्जेक्टिव की बुक आपको रखनी चाहिए पैरेलल। हम फिर से कहेंगे टॉपिक्स पढ़िए, ऑब्जेक्टिव बनाइए। तो ये तीन बुक्स हो गई और एक क्रॉन की हो गई, ये आपको रखना है, और एक स्पेक्ट्रा, ये अनिवार्य है। क्योंकि बीपीएससी में कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे तो उसके लिए टेक्स्ट बुक आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, इसको पढ़ने में मन नहीं लगता है। इसे कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर बोरिंग लग रहा है, इसका भी हम उपाय बताएंगे, बट ये आप रखिएगा। स्पेक्ट्रम की बुक जो ब्लैक कलर की भी आती है, व्हाइट कलर की आती है, आजकल नया एडिशन आ गया है, जो भी मिल जाए रखिए, पुराना है तो भी चलेगा। हम आपको टॉपिक्स देंगे, आप उसमें मैच कर लीजिएगा। लेकिन स्पेक्ट्रम का राजीव अहिर की आती है आधुनिक भारतीय इतिहास की, ये रखना है, शानदार बुक, इनएविटेबल। तो ये तो बुक्स का मामला हो गया, इतना बुक्स आपको, जिसमें बिहार स्पेशल भी हो गया, गाइड बुक हो गया, एनसीईआरटी का सार संकलन हो गया, और एक स्पेक्ट्रम हो गया। क्योंकि इतिहास के क्वेश्चंस 40 के आसपास हो सकते हैं, तो बहुत बड़ा सेक्शन कवर हो गया आपका। उसके बाद करंट अफेयर्स की बात आती है। करंट अफेयर्स में दो मैगजीन्स, पिछले 2-3 एपिसोड में हम लगातार कह रहे हैं। एक देखिए घटनाचक्र की आ गई है, फिर से हम कह रहे हैं ये वन लाइनर है, पतली सी है, लेकिन चूंकि वन लाइनर से तो फैक्ट्स बहुत है, तो ये एक ले लेते हैं, इसे हम लोग चलाएंगे, है ना। और एक हम लोग स्पीडी चलाएंगे जो वार्षिक अंक है पीछे के एक साल का। अब आप कहेंगे करंट अफेयर्स कहां से कहां तक पढ़ना है, तो करंट अफेयर्स एक साल पीछे का पढ़ना किसी भी एग्जाम के लिए बहुत हद तक सेफ होता है। अब तो आपका एग्जाम मार्च अप्रैल चला गया, तो इसका मतलब यह कि करंट अफेयर्स हमें 2021 मार्च अप्रैल से, हम मार्च से उठाएंगे, मार्च 2021 से लेकर 2022 जब भी एग्जाम हो मार्च अप्रैल में, तब तक का हम लोग करंट अफेयर्स करेंगे। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, वार्षिक अंक ले लेंगे दिसंबर का। अब देखिए स्पीडी का जो आता है इसका डुप्लीकेट भी मार्केट में है, तो बहुत बहुत हमें कई बार इसके बहुत ही खराब अनुभव हुआ छात्रों के लिए। उन्होंने फोन किया सर पेज नंबर नहीं मैच कर रहा, हमने कहा दिखाइए, वो डुप्लीकेट था। तो एनीवे ये हम कहते हैं इसीलिए फेस मिला लीजिए बिल्कुल 1 दिसंबर का, और जिसने जो 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 पिक्चर है उसे मैच कर लीजिएगा फ्रंट में जो पिक्चर है, और ये स्पीडी लेना है। तो एक घटनाचक्र और एक स्पीडी लेकर हम लोग चलेंगे। आपके पास कोई दूसरी और भी करंट अफेयर्स की है उसे भी पढ़िए, करंट अफेयर्स में सीमा नहीं, इतना हम लोग लेकर चलेंगे 32वां एपिसोड से लेकर चलेंगे। अब आप कहेंगे कि बीच में हम जुड़ रहे हैं, आज से जुड़ रहे हैं, तो पीछे का क्या होगा जो एपिसोड आ चुका है, हम आपको रास्ते बताएंगे। अब ये स्टार्ट लीजिए, 32वें एपिसोड से हम लोग चलेंगे। ये सारे बुक्स को रेडी रखिए, मंडे से आपका एपिसोड आएगा, एक दिन बीच करके अब आएगा, अल्टरनेट डे आएगा, संडे को नहीं आता है, तो ये सब हम लोग करेंगे। इतना आप कर लीजिए, प्रीलिम्स आपका डेफिनेटली 110 प्लस जरूर आएगा, डेफिनेटली। अब यह आप पर है कि आपने इन सारी बातों को कितना सीरियसली लिया और कितना आप तैयार हैं डेली रूटीन बद्ध होकर पढ़ने के लिए। हम तो आपको सवेरे उठते ही थमा देंगे पर्चा, वो शीट जो आपके 24 घंटे का रूटीन होगा। यह आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जिस समय आपको टाइम मिले ये टॉपिक्स आपको करना होगा। तो ये सब है, और भी बहुत सारी बातें होती रहेंगी, आपकी सारी समस्याओं का निदान होगा। इतना अभी कीजिए, रेडी रहिए, टाइम इतना मिल गया है कि जीरो से शून्य से स्टडी करके इस एग्जाम को निकाला जा सकता है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ा अवसर। अगर आपने पिछले महीनों तैयारी में लगे थे नहीं पढ़ पाए, लग रहा था कि इस बार नहीं हो पाएगा, इस बार होगा, समय मिल गया। सो बी रेडी, मंडे से हम लोग स्टार्ट ले रहे हैं। बुक्स मैगजीन्स बता दिया गया है, तैयार रहिए। कभी कभी आउट ऑफ स्टॉक्स हो जाता है बुक्स, चूंकि अचानक से डिमांड बढ़ने पर, तो घबराइएगा मत, उसके भी रास्ते निकलेंगे। लेकिन प्रयासरत रहिए, ये सारा लेकर के रेडी रहना है मंडे से। जो लोग नए हैं, जो पुराने हैं, वो तो पहले से चलता आ रहा है, ये सब करना है। अब इस एग्जाम को शून्य से शिखर तक लेकर पहुंचना है। टेक केयर।